दोस्तों एक बार फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है और दोस्तों गेमिंग यानी कि जो बेसिक इसका बिजनेस है गेम से रिलेटेड इसका बिजनेस है, गेम मेकिंग कंपनी है। और दोस्तों इस स्टॉक में जो न्यूज निकल के आ रही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज निकल के आ रही है जिसकी वजह से यानी कि स्ट्रॉन्ग ब्रोकर ने इसका प्राइस का टारगेट दिया है और अपनी 1000 रुपये के आसपास का दिया है, जिसकी वजह से अगर बात करें पिछले 1 मंथ में तो इस स्टॉक में अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिला। हालांकि फ्यूचर इसका काफ़ी ब्राइट हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों राकेश झुंझुनवाला सर का पोर्टफोलियो का स्टॉक है जिसकी वजह से और खास हमें देखने को मिलता है। हालांकि इसका बिजनेस मॉडल की बात करेंगे तो बिजनेस मॉडल भी अच्छा खासा है। और दोस्तों यहाँ पे न्यू गेम यानी कि प्रोडक्ट से रिलेटेड भी इसका न्यूज है जिसकी वजह से आजकल इस स्टॉक में हमें अच्छा खासा यहाँ पे रैली का फिगर देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस स्टॉक से हम सारे इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। अगर बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन का तो यहाँ पे रफली 1% के आसपास का हमें रैली देखने को मिला है। हालांकि पिछले 1 मंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे 10% के अराउंड में हमें यहाँ पे उछाल देखने को मिल रहा है जो कि अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। पिछले 6 मंथ की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 6% के आसपास का गिरावट का फिगर है जो कि कोई खास है ही नहीं। पिछली 1 साल की बात करेंगे इसका प्राइस ग्राफ का तो यहाँ पे 8% के आसपास का गिरावट है जो कि कोई खास है ही नहीं। और दोस्तों सबसे अधिक दिनों की बात करेंगे तो यहाँ पे 30% के अराउंड में हमें गिरावट का फिगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से नजारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड की रिगार्डिंग। अगर बात करें इस स्टॉक में न्यूज के रिगार्डिंग दोस्तों तो यहाँ पे जिस तरीके से हमें न्यूज देखने को मिल रहा है यहाँ पे दोस्तों अच्छे अच्छे ब्रोकर ने इसका प्राइस का टारगेट यहाँ पे 800 रुपये के अराउंड में दिया है। यहाँ पे दोस्तों न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड भी इसका हमें न्यूज देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से इस स्टॉक में अच्छा खासा यहाँ पे रैली देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों बात करेंगे इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन के रिगार्डिंग तो यहाँ पे 3749 करोड़ के आसपास का फिगर है जो कि स्मॉल कैप से बिलोंग करता है। इसका PP2 के हाई की बात करेंगे तो यहाँ पे 800 रुपये के आसपास का इसका प्राइस है जो कि लो की 475 का इसका लो है। जो कि बात करेंगे स्टॉक प्रीइश्यू की रिगार्डिंग तो यहाँ पे देख सकते हो 92 के आसपास का फिगर है। जो कि इंडस्ट्री के प्रीइश्यू की बात करेंगे तो ओनली यहाँ पे 34 के आसपास का फिगर है, यानी कि जो इसका प्रीइश्यू है काफ़ी हाई है अकॉर्डिंग इंडस्ट्री के प्रीइश्यू से। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे रिटर्न इक्विटी की रिगार्डिंग तो यहाँ पे रफली 4% के आसपास का है। रिटर्न कैपिटल इंपैक्ट की बात करेंगे तो अभी रफली 8% के आसपास का फिगर है। जो कि दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे इस स्टॉक में दोस्तों फेस वैल्यू का तो यहाँ पे ₹4 का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग ओनली 19% के आसपास का है जो कि कोई प्रमोटर का शेयर यहाँ पे प्लेस हमें नहीं देखने को मिल रहा है। EPS की बात करेंगे तो रफली ठीक ठाक फिगर हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों डेप्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे डेप्ट का फिगर आप लोग के सामने में यानी कि 38 करोड़ के आसपास का डेप्ट का फिगर है। जो कि डेप्ट टू इक्विटी की बात करेंगे तो 0.03 का फिगर यानी कि कोई खास डेप्ट है ही नहीं। और दोस्तों फ्री कैश फ्लो की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें नेगेटिव फिगर देखने को मिल रहा है। जो कि दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें PEG रेशियो की रिगार्डिंग तो यहाँ पे काफ़ी हाई हमें देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक थोड़ा सा रिस्की है लेकिन स्टॉक हमें फ्यूचरिस्टिक देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे सेल्स के रिगार्डिंग तो यहाँ पे क्वार्टरली सेल्स का फिगर आप लोग के सामने में Q4 में यहाँ पे हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू Q3। और दोस्तों बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रिगार्डिंग तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पे Q4 में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। हालांकि नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में स्ट्रॉन्ग गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है Q4 में। और दोस्तों ईयरली सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ईयरली इसका सेल्स का फिगर स्ट्रॉन्ग फिगर है यहाँ पे देख सकते हो। अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रिगार्डिंग तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फिगर भी ईयरली हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा हमें जंप देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे सेल्स ग्रोथ का तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ का फिगर बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसके वजह से स्टॉक हमें फ्यूचरिस्टिक देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस के रिगार्डिंग तो यहाँ पे जिस तरीके से हमें रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर देखने को मिल रहा है एवरी ईयर का स्ट्रॉन्ग फिगर है और इस साल अच्छा खासा जंप के साथ में फिगर हमें देखने को मिल रहा है। ब्रोन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे इस साल में डेप्ट में थोड़ा सा अधिक फिगर हमें देखने को मिल रहा है।
हालांकि दोस्तों फिक्स एसेट की बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों इस साल अच्छा खासा जंप के साथ में फिक्स एसेट का फिगर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक अपने आप में अच्छा खासा में देखने को मिल रहा है, हालांकि यहाँ पे क्वार्टर फोर्थ में सेल्स में गिरावट हमें देखने को मिला है। और दोस्तों बात करेंगे इस स्टॉक में एफआई की होल्डिंग है, डीए की होल्डिंग है, उस पहले बात करेंगे प्रमोटर का, तो यहाँ पर भी हमें 19% के आसपास का होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों एफआई का होल्डिंग यहाँ पे 8% से एवप का है, जो कि डीआई का होल्डिंग भी 8% से एवप का है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे इस साल में यानी कि क्वार्टर फोर्थ में डीआई ने स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे खरीदारी किया है, जो कि दोस्तों एफआई ने यहाँ पे थोड़ा सा बिकवाली किया है। और दोस्तों हम बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर का, तो यहाँ पे 65% के आसपास का होल्डिंग है, तो शेयर होल्डर पैटर्न भी अपने आप में रफली अच्छा खासा है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसका प्रोडक्ट आप लोग के सामने में सारा का सारा, यहाँ पे हमें गेम सिलेक्टर इसका प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं स्टॉक हमें यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका फ्यूचर में अच्छा खासा डिमांड हमें देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो, हालांकि इसका प्राइस अभी हमें काफ़ी गिरावट में देखने को मिल रहा है, हालांकि जिस तरीके से इसका फोरकास्ट है 800 प्लस में हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस स्टॉक के प्राइस के फोरकास्ट के रिगार्डिंग, तो जो फिलहाल इसका प्राइस है 567 के आसपास का फिगर है, अगर इस स्टॉक में यहाँ से थोड़ा बहुत हमें गिरावट का फिगर देखने को मिलता है तो इसका प्राइस 500 के आसपास में आते हुए देखने को मिलेगा, अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस 1000 के अराउंड में हमें देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो, यहाँ से इसका प्राइस हमें काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा जो वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ओके सो थैंक यू, बाय।